ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी, लिकोरिया क्या है? आज मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो मेरे पेशेंट की सबसे बड़ी मसाइल में एक मसला शामिल है, वो है लिकोरिया। ये हर एज का मसला है। जो ही बच्चियों को 10-12 साल की उम्र में पीरियड शुरू होते हैं, तो साथ ही उनको डिस्चार्ज का इशू शुरू हो जाता है। मदर्स को बताती हैं कि हमें डिस्चार्ज हो रहा है, अनकंफर्टेबल होती हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाना, ट्रेवल करना, ये सब चीज़ें उनके लिए थोड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन ले आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी डॉक्टर के साथ इसको कंसल्ट करें। लिकोरिया आम जुबान में कहते हैं डिस्चार्ज को, मगर अगर ये अमाउंट में ज़्यादा है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा है, अगर इसका कलर चेंज है, जैसे ये येलो है, इसके साथ इचिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है, प्राइवेट पार्ट पे स्वेलिंग हो रही है और आप अनकंफर्टेबल हो, आपको मुसलसल कमर दर्द है, बैकेक है, तो इस लिकोरिया को नॉर्मल नहीं लें। फौरन अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सेहत ख़राब होती है, आप अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते। देखिए, अगर पीरियड से पहले और पीरियड के बाद डिस्चार्ज है, जो कि एग वाइट की तरह का है, यानी जेली की तरह का है, और इसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो नॉर्मल ज़ुबान में इसको डिस्चार्ज कहते हैं, जो कि आपकी ओवुलेशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर इसका कलर चेंज है, यानी ये पीले रंग का है या ग्रीनिश कलर का है या दही की तरह फुटियों की तरह का है, तो फिर ये इन्फेक्शन है। और ज़रूरी नहीं है कि ये इन्फेक्शन शादी के बाद ही हो, ये इन्फेक्शन यंग बच्चियों में भी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा फोबिया है। हम अपने बड़ों से, अपने माँ से, अपने रिलेटिव से, अपनी डॉक्टर से इसे डिस्कस नहीं करते, छुपाते हैं, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल होते हैं। तो मैं ये बताऊँगी, यंग बच्चियों में भी लिकोरिया होता है और इसको सबसे पहले ट्रीट करें, ताकि शादी अगर होती है उसके बाद हर बंदा आपसे पूछता है, जी खुशखबरी, हर माँ सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, जिस पे आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट भी एक हिस्सा है इस डिस्चार्ज का। अगर ये शादी के बाद भी डिस्चार्ज आपको तंग करता है और आपको आपस के ताल्लुकात में प्रॉब्लम करता है, आप अनकंफर्टेबल होते हो, दर्द महसूस करते हो, तो इसको भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ा सवाल कि ये क्यों है, हमें क्यों है, इसकी वजह क्या है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह ये है कि बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स, वो खुलता है वजाइना में। वजाइना कहते हैं वो फीमेल ऑर्गन जिसमें आप शादी के बाद आपस के अज़दवाजी ताल्लुक को कायम रखते हैं। इसमें जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अगर किसी वजह से पीएच, जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से वही बैक्टीरिया बैड बैक्टीरियाज बन जाते हैं। मतलब वही बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ये इन्फेक्शन आपस में एक दूसरे को भी ट्रांसमिट होती है। मगर इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हल ये है कि आप हमसे कंसल्ट करें, ताकि एग्जामिनेशन के बाद हम आपको बताएं कि इसकी वजह क्या है। क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज काफ़ी अरसे से चलता है, तो ये आपकी सेहत को ख़राब करता है। इसके अलावा आपकी ट्यूब्स पे इफ़ेक्ट होता है, यानी कि देखें, अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं, साइकिल ठीक है, एग बन रहा है, तो यूजुअली हम अपने पेशेंट को कहते हैं विद इन 1 ईयर आपका नेचुरल कंसीव हो जाएगा, मतलब आपका हमल नेचुरली ही हो जाना चाहिए। मगर क्या वजह है कि आप माँ नहीं बन पा रही, क्या वजह है कि फिर भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है? तो इसकी सबसे पहली वजह ये है कि हमें देखना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो कि मेल के स्पर्म्स को ख़राब कर रहा है। क्योंकि जब आपको ये इन्फेक्शन होता है, तो आप जब आपस में ताल्लुक़ रखते हैं और जब जो जरासीम हैं वो अंदर जाते हैं वजाइना में, तो उसकी वजह से वो भी ख़राब होते हैं। उनकी मोटिलिटी, मतलब वो मूव नहीं कर पाते, अगर वो मूव नहीं कर पाते
तो वो एग तक नहीं पहुंच पाते। ये छोटी छोटी वजूहात हैं जिसको अगर हम टाइम पे इलाज कर ले तो हम बहुत बड़े मसलों से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा देखने में यही आया है कि अक्सर पेशेंट 3-4 साल से इस लिकोरिया के साथ गुजारा कर रहे होते हैं कि शायद ये नॉर्मल है या शायद ये एबनॉर्मल है, मगर वजह अभी तक भी नहीं पता चलती, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ट्यूब्स पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर एक दफ़ा ट्यूब्स बंद हो जाएं तो फिर इनका इलाज सिर्फ टेस्ट ट्यूब बेबी ही होता है। यानी बच्चा बनाने के लिए हमें कुछ ख़ास ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपस की ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए अपनी डॉक्टर से रजू करें। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।